हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? आप लोग बहुत अच्छे होंगे आशा करते हैं, और हम भी बहुत अच्छे हैं। अब मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। कुछ इशू हो चुका था जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना रहा था। आज मैं भागलपुर के कुछ चुनिंदा जगह पर जाऊँगा, आपको उन जगहों का शेयर कराऊँगा। देखते हैं आगे। और हम अभी रेडी हो चुके हैं। हम हैं, हमारे एक फ्रेंड है, और हम दोनों मिल करके अभी जाएंगे। और देख लीजिए वहाँ पे बाइक लगा हुआ है, उसी बाइक से हम लोग अभी निकलने वाले हैं। और देखिए सरकार का क्या स्थिति है, हमारे लॉज के आसपास तो पूरा गड्ढा कर करके एकदम पूरा गड्ढा बना दिया है। और भागलपुर का तो बात ही क्या किया जाए, हर जगह गड्ढा गड्ढा कर दिया है। देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा दोस्त जो हमारे साथ जा रहा है, और इसी बाइक से जाएंगे। ये हैं सुमन जी, हाय बोल दीजिए। हाय। देख लीजिए यही बाइक है, अभी हम लोग सब निकलने वाले हैं भागलपुर के शहर पर। ठीक है, आगे चलते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत। अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। हेलो दोस्तों, यहाँ पर तूफान आया था और बहुत सारे तारों को क्षति हुआ, तार गिर गया था, 400 घर। देखिए इन लोगों के क्या कहना, आप बोलिए क्या कुछ। पीपल का पेड़ गिर गया बहुत बड़ा, और कल से कोई वन विभाग वाला नहीं आया, आज सुबह आया। अभी तक कोई नहीं आया देखने के लिए? हटा करके लेके गया, तो ये बिजली विद्युत विभाग वाला आदमी आ करके अभी पोल को खड़ा करके हम लोगों को लाइन देने का वादा किया। लोगों को यहाँ से जाना पड़ रहा है, इसे घूम कर जाने जाएंगे, लेकिन क्या कीजिएगा, अभी देख रहे जो मुश्किल है। हम लोग इसलिए लगे हुए हैं कि जब बारिश आने से पहले हम लोग का पोल खड़ा हो जाएगा। अगर हम लोग का पोल खड़ा हो जाएगा तो हम लोग के घर में लाइट आ जाएगा, ये लोग वादा दे सकते हैं। ठीक है, देखिए आग लगा चाहिए। देखिए पोल खड़ा किया जा रहा है ईरान के द्वारा, यही पोल अभी सेट किया जाएगा। लाइट का भी बहुत दिक्कत आ रहा है, और यहाँ पर भी तो लाइट का बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, बहुत सारे लोग परेशान है बिजली की वजह से। और जान ही रहे गर्मी का मौसम कितना है, और बिना बिजली का जीना तो आजकल बहुत मुश्किल हो चुका है इस गर्मी में। इसलिए हमें विद्युत कर्मी विभाग से अनुरोध है कि आप लोग आए जल्दबाजी में, इस जगह का मुआयना करें, और यहाँ पर जो भी व्यवस्था है उसको सुदृढ़ किया जाए। यहाँ पर देख सकते हैं कि पीछे बारिश बहुत तेजी में दे रहा है। ये CMS कॉलेज हाई स्कूल है, नहीं CMS हाई स्कूल भागलपुर का है, और यही का कैंपस है ये सारा। देख रहे कितना एकदम जोर शोर से भी बारिश चल रहा है। सामने देखते हैं पानी उनी सारा जमा हो चुका है पानी। आज तो हम सोचे ही थे कि पूरा भागलपुर घूमेंगे बेहतरीन ढंग से, और आप लोगों को भागलपुर का दर्शन करवाएंगे। और वहाँ आगे देख सकते हैं कि प्रभात खबर का ऑफिस है, यहीं पर प्रभात खबर पेपर छपते हैं। और आप देखिए किस तरह से बारिश अभी थमने का नाम नहीं ले रहा, पूरा नज़ारा देखिए भागलपुर का, वो बिल्डिंग सब देखिए आप। ये दीप प्रभा सिनेमा हॉल के आसपास का है नज़ारा, और वो देख रहे हैं बहुत बड़ा सा जो बिल्डिंग दिख रहा है आपको, ये भागलपुर का सबसे बड़ा मॉल बनने वाला है, जो भी बन ही रहा है, अभी पूरा ख़त्म हुआ नहीं है, इसमें अभी समय लगेगा, और कुछ हो सकता है कि साल दो साल में ये पूरा बन करके कंप्लीट हो जाए। और इसके ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, बहुत देर से हम लोग सब खड़े हैं, ये हमारे दोस्त रहे दोनों बहुत देर से खड़े हैं कि कब बारिश रुकेंगे और हम लोग सब यहाँ से निकलेंगे, लेकिन बारिश तो नहीं थमने का नाम ही नहीं ले रहा है, और हम लोग सब बहुत ही मुश्किल में पड़े हुए हैं। देखिए दोस्तों, अभी तो बारिश ख़त्म हो चुका है, अब हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं अब मौसम, देखते हैं कितना साफ हो चुका है। 0 माइल का हवाई अड्डा जाने वाला रास्ता है, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग सब घूमने के लिए, और बारिश का भी मौसम है, हवाई अड्डा दिखाने जा रहे हैं भाई लोग, हम सब बारिश में भींज के आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोग भी हमारे शहर को देखें। आप जा रहे हैं हवाई अड्डा की ओर, और वहाँ का सबको नज़ारा दिखाएंगे कैसे हमारा हवाई अड्डा है। ये महिंद्रा का शोरूम है, देख सकते हैं आप लोग कितना सुंदर है, दिखाइए बढ़िया से, गेट दिखाइए।
देखिए दोस्तों, फाइनली हम लोग सब हवाई अड्डा पहुंच चुके हैं। जैसा कि हम लोगों ने बोला था, बहुत ही मुश्किल का सामना करते हुए हम लोग सब किसी तरह से हवाई अड्डा पर पहुंचे हैं। बहुत घूमे, घूमते घूमते रास्ता ही नहीं जल्दी मिल रहा था, किसी तरह से मिला तो हम लोग आए इस हवाई अड्डा में आपको दिखाने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक भी जहाज़ नहीं उड़ता है। कारण है कि ये बहुत दिन से बैन है ये हवाई अड्डा, पता नहीं कब खुलेंगे, ओपन होंगे पता नहीं। और वो जो हमारे सामने आप देख रहे हैं चबूतरा, वहीं पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी यहीं पर आकर के भाषण देते हैं कभी कभी, जब भी आते हैं। ये पूरा मैदान रहा हवाई अड्डा का, जो पूरा खचाखच भीड़ से भर जाता है जब मोदी जी यहाँ आते हैं। पर मोदी जी तो यहाँ बहुत बार आए, लेकिन पर एक बार भी ये नहीं सोचा कि इस हवाई अड्डा को भी ओपन कराया जाए। बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है हमारे शहर के लोगों को, बहुत सारे दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे आसपास में कोई भी हवाई अड्डा है नहीं। जो भी है तब यहाँ से समझिए कि सीधा पटना में ही है। अब यहाँ से पटना की दूरी लगभग 235 किलोमीटर। अब हम लोग मेन रनवे की ओर चल दिए हैं, बहुत जल्द ही वहाँ तक पहुँच जाएंगे। मेन रनवे ये रहा, इधर चलिए, ये देखिए भागलपुर का मेन रनवे है, यहीं पर हवाई जहाज उड़ाया जाएगा अपने। आप यहां कुछ छात्रों को देख सकते हैं जो आर्मी दौड़ के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, और यहां पे बहुत सारे लोग कार सीखने के लिए भी आते हैं, और बहुत सारे लोग अपने परिवार के साथ इस रनवे को देखने के लिए आते हैं। और अभी भी देखिए एक परिवार आए हैं पूरे परिवार के साथ इस दृश्य को देखने के लिए और मस्ती कर रहे हैं। आप लोग भी यहाँ पर आकर के घूम सकते हैं, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को जब भी कभी यहाँ पर आए। अब देखिए एक ड्राइव अब हम भी लेना चाह रहे हैं इस रनवे का, एक बार हम भी जाते हैं बाइक से घूमते हैं, देखते हैं कैसा लगता है, और आपको आने के बाद हम अपना अनुभव शेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए आप कैसे चलते हैं बाइक। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। हाँ गाइस, मुझे तो इस रनवे पर बाइक राइड करके बहुत मज़ा आया। आप लोग भी जब भी कभी इस रनवे पर आवे तो बाइक राइड का जरूर मजा लें, बहुत मज़ा आएगा। ये देखिए हम लोग सब अब चलेंगे, वापस चलेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब तो हो गया बहुत सारे बातें, और बहुत सारे मुश्किलों का सामना करते हुए हम लोग सब किसी तरह से आप लोगों को अपना भागलपुर का ये रनवे दिखाया, अपना शहर का बहुत दिखाया। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। धन्यवाद, और आप लोगों का प्यार रहे, जिस तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे, और आप भी और बहुत सारी चीज़ें आपको हम अपने नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे, बेहतर बेहतर चीज़ हमारे घर में, और भी बहुत सारे बेहतर सब जगह है घूमने लायक है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।